सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू सोलो बोनस चैलेंज गेम प्ले। तो भाई हर बार की तरह शेल्टर उतरा हूँ और भाई एक बंदा दिखता है हवा में ही, तो मस्त उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। तो आराम से लूट लेता हूँ और उस बंदे का भाई वेट करता हूँ मैं कि भाई किधर से आएगा वो। तो इधर पे मैं रिलोड कर ही रहा हूँ कि भाई किल फिट पे नाम आता है कि भाई इस बंदे ने मारा है किसी को, तो वो इधर से आएगा। इधर वेट करता हूँ मैं टीपीपी ले करके। अब बिल्कुल बेफिक्र होकर के ये बंदा आ रहा था, बिल्कुल मस्त, जैसे कि मैंने पूरा शेल्टर खाली कर दिया है। इसको मारने के बाद भाई ऊपर ये बग्गी स्पॉन है, लेकिन निकल पड़ता हूँ और इधर पर भाई ड्रॉप पर आया हूँ, ये रोजोक के पीछे है ब्रिज क्रॉस करके। बट भाई पहले स्क्वाड हाउस चले जाता हूँ मैं कि देखने के लिए कि भाई यहाँ पे तो कोई नहीं है ड्रॉप के लिए। जैसे ही घुसता हूँ भाई फुटस्टेप आता है यहाँ पे और भाई पता चलता है कि ऊपर भाई बंदा ये पैनिक रूम में है, तो मस्त थोड़ा दूर जाता हूँ, नेट का पिन खींचता हूँ मैं कि उसे आवाज़ ना आए, और मस्त नेट कर देता हूँ उसके ऊपर। उस बंदे ने भाई मौली करी थी स्टेट पे और इसे नेट से फोड़ देता हूँ मैं। ये था गाइस दूसरा किल, और भाई ड्रॉप को स्मोक करके मस्त अपना बगी लेके जाता हूँ, आराम से लूटता हूँ। और भाई ड्रॉप पे मिल जाता है मुझे लेवल 3+ ग्रोजा, एक एम के ग्रोजा ले लिया। और भाई एक बंदा ब्रिज क्रॉस कर रहा है, UMP भाई लॉन्ग रेंज के लिए मुश्किल है भाई। और वो बंदा इधर वेयर हाउस में रुक जाता है, तो इधर ही बस देखने आता हूँ कि भाई किल विल मिल जाए इसका। और जैसे यहाँ पे बगी लेके आता हूँ भाई, मतलब भाई बगी को भाई ये बंदा डैमेज दे देता है, बट उसके बाद फटाक से उतर के मार देता हूँ। तो ये था गाइस तीसरा किल, इस बंदे को भाई स्मोक डाल के लूट लेता हूँ। और इस पे होता है M4, तो UMP फेंक के M4 उठा लेता हूँ मैं, M4+ ग्रोजा। और एक पुराना ड्रॉप है भाई रोजोक हिल के पास, किसी ने भी नहीं लूटा है। और ग्रोजा फेंक के भाई मैंने MK उठा ली और दूसरे ड्रॉप के ऊपर जाता हूँ जो हवा में दिख रहा था अभी। यहाँ पे गाड़ी है बट आजू बाजू भी बंदे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुकता हूँ और ड्रॉप लेने आ जाता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप पे मिल जाता है भाई MG3, तो लेके भाई आगे बढ़ जाता हूँ। और सामने से गाड़ी आ रहा है यहाँ पे, तो रुक के देखता हूँ यहाँ पे। और भाई ये शैक पे रुक जाता है, जिससे इसे मारना बहुत इजी हो गया था। और इसे मार के फटाक से निकल लेता हूँ मैं। और जस्ट थोड़ा जोन के बाहर हूँ, अभी टाइम है, आराम से मैं जाऊँगा अंदर। एक बंदा यहाँ पे गाड़ी चेंज कर रहा, ये बंदा तो आराम से निकल जाता है अपना गाड़ी चेंज करके। तो सामने पेड़ पे एक बंदा दिखता है, ये बंदा किसी को तो TPP भी ले रहा था, मतलब किसी उधर पे भी एक और बंदा होगा उसको ही देख रहा था ये। तो उधर पे लेफ्ट में देखना पड़ेगा मेरे को कि भाई हो सकते हैं, जोन आ चुका है तो जस्ट थोड़ा ही आगे जोन है, तो अंदर बग्गी ले लेता हूँ मैं और इधर ही रुक जाता हूँ मैं। और भाई 20 बंदे अभी भी अलाइव है, 5 किल हो चुके अपने। और लेफ्ट में भाई फायर वायर हो रहा है, एक बग्गी आता है यहाँ पे। तो ऑन फुट मैं चले जाता हूँ आगे देखने के लिए और बग्गी भाई छोड़ देता हूँ पीछे। और लेफ्ट पूरा देख लेता हूँ कि भाई कोई भी बंदा प्रोन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि तो जोन में हूँ मैं एटलीस्ट, मतलब बिल्कुल जस्ट जोन के अंदर हूँ। और भाई सामने दो बंदे होते हैं, एक लेफ्ट जो टावर दिख रहा है और ये राइट वाले शैक पे, तो उनका वेट करता हूँ कि भाई उनका फाइट हो जाए और दोनों में से एक बंदा मर जाए। और तभी भाई एक पीछे से बग्गी वाला आता है, और लेफ्ट देखो गाइस, इसे तो मार दिया। बट अब जो शैक में बंदा है भाई, उसे पता चल गया होगा कि भाई इस पेड़ के आजू बाजू एक बंदा है, उसका मैंने गेट फोड़ दिया कि मैं नेड कर सकूं। और तभी भाई उसका नेड आता है, थोड़ा सा डैमेज करता है जो मैंने उसका गेट फोड़ा है। अब मैं भाई आसानी से नेड कर सकता हूं, बिल्कुल परफेक्ट नेड कुक करना पड़ेगा मेरे को। और ये डालता हूं नेड, और भाई शैक पे जो बंदा था उसे भी मार दिया है। और अभी जोन में जाना है मेरे को, क्योंकि ये जोन जैसे टच होएगा भाई बहुत ज़्यादा डैमेज देगा। और तभी एक गाड़ी आती है भाई,
भाई इस गाड़ी की बहुत टाइमिंग बहुत ख़राब है बोले तो मेरे लिए बहुत ख़तरा है अभी, क्योंकि अभी मेरे को जोन में जाना है भाई। उस बंदे में बहुत ही इजी मौका था मेरे को मारने के लिए, बट वो मार नहीं पाया। अभी वो ब्लू जोन का डैमेज ले रहा है और प्लस मैंने भी उसे डैमेज दिया है, और सामने एक और गाड़ी आ चुका है। पर जो पीछे बंदा है भाई उसको देखना पड़ेगा, और जैसे मैं पीछे देखता हूँ वो भाई जोन को अपना किल दे देता है। उसका हरा धुआं दिख गया था, और भाई इस कंपाउंड से बचने के लिए मैं स्मोक कर लेता हूँ अपने राइट में, कि उधर से भाई घास भी रेंडर नहीं होगा मेरे पास, तो वो लोग इजीली मार देते मेरे को। इसलिए मैंने स्मोक करी, और सामने जो कि भाई पेड़ पे बंदा है उसके ऊपर नेट डालता हूँ मैं। बट ये पहला नेट से बच चुका है, और भाई इसे मारना बहुत ज़रूरी है अभी। और भाई जोन स्टार्ट होने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी है, इसी गाड़ी से मेरे को जोन में जाना होगा इसको मारने के बाद। तो इसे भाई मार दिया है, अभी 4 बंदे अभी भी अलाइव है और 8 किल हो चुके हैं अपने। तो थोड़ा सा इधर पे रुक के मैं एमओ उठा लेता हूँ, क्योंकि देख सकते हो M4 में बिल्कुल भी एमओ नहीं है, और नेड मॉली वगैरह जो भी मिले फेंकने वाला सामान, क्योंकि भाई एंड जोन में कभी भी नेड मॉली स्मोक ज़्यादा काम आते हैं। और भाई जैसे ही गाड़ी में बैठता हूँ जो ट्रिपल पे बंदा है वो भाई मेरा पीछे वाला टायर है उसे फोड़ देता है, और जी गाड़ी इधर ही रुक जाता है। और इधर पे मैं गलती कर बैठता हूँ, देखो क्या मेरे को भाई वॉल पे रहना चाहिए था, और भाई बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया वो बंदा मेरे को, पुश करेगा अभी। अब आप सोचो कि भाई मॉली मैंने क्यों करी, देखो उसका 1 HP बचता है ये बंदा, 1 HP, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मरने वाला हूँ, तो मैं सोचा कि भाई इसको भी साथ साथ में लेके डूबता हूँ। बट भाई बहुत ज़्यादा डैमेज था मेरे को उसलिए, मतलब पहली दे रखी थी। तो अभी भाई 2 बंदे बचे हैं ये दोनों, और सामने वाला बंदा भी चलाक है, उसे पता है कि भाई नेड होने वाला है तो भाग लेता वहाँ से, और ये बंदा पुश कर देता है। इसके सिर्फ 3 किल है भाई, बट इसका पोजीशन बहुत अच्छा था इसलिए मेरे को मार दिया भाई वहाँ पे, और बिल्कुल भी जोन मेरे पे नहीं था एंड में। बट ये था 8 किल 4th पोजीशन, और भाई 320 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक ठोक दो, और चैनल पे नए तो भी सब्सक्राइब करके जाना। तो इस वीडियो पे इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले पे।